नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। संसद में अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है। सारी पार्टियों के सांसदों ने अपनी अपनी राय रखी। बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी ने संसद में बोलते हुए कहा कि सब खाने वाले साथ आए हैं। देखें उनका ये संबोधन। लोकेट चटर्जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज आपने मुझे नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलने के लिए मौका दिया है। सबसे पहले मैं विपक्ष को बधाई देता हूं कि जिन्होंने पास विपक्ष का नेता बनने का भी संख्या नहीं है, वो लोग 352 सदस्यों द्वारा सरकार के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव का उंगली उठाते हैं। जो विपक्ष एक दूसरे को विश्वास नहीं करते हैं, जो विपक्ष खुद के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं, हमारे पार्टी के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने नहीं लेके आए हैं, वो विपक्ष 140 करोड़ जनता के ऊपर आज उंगली उठा रहे हैं। बंगाल के सरकार के ऊपर 10 करोड़ जनता का जो विश्वास नहीं है, वो बंगाल का सरकार अभी 140 करोड़ जनता के ऊपर अविश्वास का उंगली उठाते हैं। सर, एक बंगाल में सुकुमार रॉय का एक पोएट है, उनका है हौजा बोरा लॉ। हौजा बोरा लॉ गठबंधन बोलते हैं इसको, जिसमें बोलता है सुकुमार रॉय लिखा था, रूमाल बना बिड़ाल। रूमाल का मतलब है दिल्ली में कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल सब एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहते हैं। जब वो दिल्ली से चले जाएंगे, सेशन के बाद जब चले जाएंगे, तब वो हो जाएगा कैट, मतलब रूमाल बना बिड़ाल। सर, बंगाल में ये लोग कुश्ती करते हैं। आज यहाँ पे आके मैंने देखती हूँ कि टीएमसी को मिठाई खिला रहा है। हमारे कार्यकर्ता बीजेपी का बहुत सारा हत्या हुआ है। अयोध्या, मैं आपको पूछती हूँ, आपका बहुत सारा कार्यकर्ता को हत्या हुआ है, वहाँ पे आप बहुत आवाज उठाते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे आके आप एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, ये ठीक नहीं है। वहाँ पे जो जो कार्यकर्ता है वो कहाँ जाएंगे? आप लीडर लोग अगर यहाँ पे आके एक दूसरे को हाथ पकड़ के रखे हैं, आप ये बहुत डेमोक्रेसी के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 2019 में जवाब दिया था, 2024 में इसका जवाब मिलेगा। इनको पता है हम तो डूबेंगे सनम, पर तुझको साथ लेकर डूबेंगे। अन्याय जे करे, अन्याय जे सहे, तबो गिना जानो तारे तृणमूल सहे। इस बैठक जो होता है ना सर बेंगलोर में, इसका एक ही मकसद है, मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलान यही है कि सूरज को हटाया जाए। कभी ये ऐसा नहीं होगा सर। आज तो प्रधानमंत्री जवाब देंगे, लेकिन बंगाल में जो खेला होबे का परिस्थिति है, उनका जवाब क्या मुख्यमंत्री देंगे सर? नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी बोले हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सब खाने वाला लोग एक साथ हो गया सर, सब खाने वाला लोग है। आज मैं वंदे मातरम की धरती से आती हूँ, सौगोता तो अभी बंगाल से आते हैं। काल बोल रहे थे गुजरात दंगा का बात कर रहे थे, सौगोता बुजुर्ग लोग है, उसका शरीर को लेके मेरा चिंता है सर। मैं नहीं चाहती हूँ अगर बंगाल के बारे में दंगा का लिस्ट में बोलू तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा सर। दादा, आप थोड़ा सा शांत होकर बैठिए। जो बंगाल से आती हूँ वो राजा राममोहन सतीदाह प्रथा रद्द किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल्य विवाह रद्द किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नारी शिक्षा विधवा विवाह चालू किया था, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर नहीं रहते तो हमारे पश्चिम बंगाल का जन्म नहीं होता, आज महिला मुख्यमंत्री भी पश्चिम बंगाल में नहीं होता। सुभाष चंद्र जी बोले थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज सर ऐसा हो गया परिस्थिति, बंगाल का लोग इतना हत्या होते हैं, सब लोग बोलते हैं आर कत रक्त चाय, आर कत लाश तुम्हारा चाय, आर कत करते चाओ बांगाली सर्वनाश। सर, 21 जुलाई शहीद दिवस होते हैं सर, शहीद दिवस में शहीद का वार्ता नहीं है, लेकिन बोलते हैं बीजेपी का नेता लोगों का घर घेराव करो। शहीद दिवस से मंच से बीजेपी का शहीद करने का वार्ता देता है सर। सर, ये लोग डेमोक्रेसी का बात करेंगे, ये तो है वर्ल्ड्स 8 अजूबा सर। जो लोग पोस्ट फॉल वायलेंस में महिला के ऊपर इतना अत्याचार किया, वो लोग डेमोक्रेसी का बात करते हैं सर। सर, बंगाल में 30% का राजनीति चलता है, दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर राजनीति चलता है, सरस्वती पूजा रोकने का राजनीति चलता है सर। 59 कार्यकर्ता का इस पंचायत चुनाव में मौत हुआ है सर।
2011 से मुख्यमंत्री जब से बना महिला मुख्यमंत्री, तब से सब जगह में महिला के ऊपर अत्याचार होते हैं। खुद का इमेज बनाने के लिए उन्होंने मणिपुर को हथियार किया। बोलते हैं कि पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री चुप क्यों है, किसी ने सही कहा है, गुंगे निकल पड़े हैं जुबा की तलाश में। सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ पर गुंगा और बहरा विपक्ष और मणिपुर पर बोल रहे हैं। इन्हें शर्म आना चाहिए। पश्चिम बंगाल के लिए बोले, हिम्मत है तो राजस्थान के लिए बोले, हिम्मत है तो छत्तीसगढ़ के लिए बोले। सब लोग बोलते हैं चोरे चोरे मस्तु तो भाई। बंगाल के मुख्यमंत्री 5 लोगों का टीम भेजते हैं मणिपुर में, मालदामार में 2 विवश महिला को विवश करके उसको पुलिस के सामने पिटाया, वीडियो वायरल हुआ। टीम तो छोड़ दीजिए, एक पंचायत सदस्य को भी उन्होंने नहीं भेजा। उनका जो सोकल इंटेलेक्चुअल है वो भी कैंडल लाइट लेके उन्होंने मिचिल नहीं करते हैं, और हमारा मुख्यमंत्री पूरा मौनव्रत ले लिया। सर, मणिपुर तक पहुंच जाने वाले विपक्ष को पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का जीपीएस लोकेशन अभी तक मिल नहीं रहा है। सर, एक सांसद बोल रहे थे एक कौन से दूसरा कौन भारत जोड़ो पदयात्रा किया, भारत तोड़ा कैसे? सर, भारत तोड़ा कौन? टुकड़े टुकड़े गैंग ने भारत तोड़ा था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत को तो जोड़ नहीं पाया सर, लेकिन कुछ पार्टियों को अपने साथ जोड़ लिया। सर, एक महिला कांग्रेस वरिष्ठ नेता है, बोलते हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ, भाई बहन हाथ पकड़ के उत्तर प्रदेश चला गया। राजस्थान में भीलवाड़ा में हम सांसद लोग गए थे, एक आदिवासी बच्ची को गैंग रेप करके उसको जिंदा जला दिया था। कहाँ गया वो डायलॉग लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कहाँ गया सर? एनर्जी ड्रिंक खत्म हो गया सर। मैं अधिकता को आग्रह करूंगी थोड़ा सा इटाली से, चाइना से एनर्जी ड्रिंक आप थोड़ा सा भेजिए, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के लिए और राजस्थान के लिए थोड़ा सा हो चिल्लाए। मैं बोलूंगी पूरा देश ये नाटक देख रहे सर, पूरा देख रहे अधिकता को। मैं बोलूंगी अधिकता आप किसके साथ हो? चिट फंड से पैसा लूटते हैं, महिला के ऊपर अत्याचार करते हैं, 59 लोगों का मौत हुआ है, इतना करप्शन करते हैं, इसके साथ आप देख रहे हो। दादा अटल जी कहते थे एक बार इसी संसद में खड़े होकर किया था, पार्टी बनेगी पार्टी बिगड़ेगी, सत्ता का खेल चलेगा, लेकिन ये देश चलना चाहिए, ये देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। जिसका घर शीशे के हो वो दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंका करो। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हमारा देश पूरा चल रहा है। कोई इटली से जन्म लेके नहीं आया, कोई सोने का चम्मच लेके नहीं आया है सर। जिनके साथ जनता जनार्दन है उसका कोई जरूरत नहीं है चिंता करने का। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन गिरेगा गिरेगा गिरेगा, और 140 करोड़ जनता ने तुष्टिकरण को गिराएगा, परिवारवाद को गिराएगा, करप्शन को गिराएगा। और गीता में एक श्लोक है, ना दैनो ना पलायनम, अर्थात कोई दीनता नहीं चाहिए, चुनौतियों से भागना नहीं बल्कि उनका डांट कर सामना करना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि चित्त जेता भय शून्य, उच्च जेता शीर, ज्ञान जेता मुक्त, जेता गृह प्राचीर। और सर, आज स्वागत होता मनरेगा का कल बात कर रहे थे, मैं बोलना चाहती हूँ 2014 से पहले 8 साल में कांग्रेस सरकार वेस्ट बंगाल में दिया था 14,000 करोड़, 985, और लास्ट 8 सालों में ये एनडीए ने दिया था 54,000 करोड़। आप झूठ मत बोलिए, झूठ बोलना ठीक नहीं है, आपको शरीर ठीक रखना है। सर, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का मैं विपक्ष में बोलती हूँ धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अरे बाजी नहीं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।